नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ आज फिर एक बार बातचीत करने के लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी जी हैं। और आप सबको पता ही होगा कि यात्रा तुलमुल खीरवाणी यात्रा जो इतनी कामयाब यात्रा रही है उसके ऊपर इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, स्वागत आपके सभी देखने वालों का जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने बहुत टाइम से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। जब तैयारियां शुरू हुई तब भी हमारे सर वहां पे गए और उनने वहां पे जानकारी ली पूरी कि कैसे क्या करना है। सर क्या बोलेंगे आप इस यात्रा के बारे में कि कितनी कामयाब ये यात्रा रही है इस बार? जय माता दी। इस साल की जो यात्रा है मुझे लगता है कि पिछले सभी रिकॉर्डों को इसने ब्रेक किया। बहुत अच्छी यात्रा रही। करीब 30,000 यात्रियों ने जी, बल्कि 30,000 से ज़्यादा यात्रियों ने माता खीर भवानी तुलमुला में दर्शन किए। उसके अलावा टिकर में भी 2,000 से ज़्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। मंजगाम और देवसर जो कुलगाम में है वहाँ भी काफ़ी तादाद में यात्रियों ने दर्शन किए। लोपरी पूरा पहलगाम में वहाँ भी यात्रियों ने दर्शन किए। और इसके पीछे मैं ये कहूँगा कि पूरा सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी सभी का योगदान रहा। और ये काफ़ी दिनों से इस पर प्रिपरेशन चल रही थी जी। जैसे सभी यात्रियों का फीडबैक आया सभी लोकेशन से, बहुत ही अच्छी सुविधाएं इस बार रखी गई, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, रामबन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लंच का अरेंजमेंट हमने किया था जी, और जो डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ पर यात्रा गई, गांधरबल, देवसर, मंजगाम, टिकर जी, या लोगरीपुरा, तो सभी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से एकोमोडेशन फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सैनिटेशन, बिजली, पानी, हेल्थ सभी इश्यूज़ का खास ध्यान रखा गया। और यात्रा जो है अच्छे से संपन्न हुई। यात्रियों ने अच्छा फीडबैक दिया और इससे हमारी हौसला अफजाई भी हुई सभी डिपार्टमेंट्स की। और मैं इसके लिए ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा यात्री जो है जम्मू से आए जी जी, तो उनके इंतज़ाम, उनके रहने सहने का वहाँ पे, और उसके अलावा बाकी लोकेशंस पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास तौर पर, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का, डेवकॉम साहब कश्मीर का, डेवकॉम जम्मू का, और सभी डिपार्टमेंट्स का, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत मेहनत की। सिविल सोसाइटी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अच्छे से वेलकम किया यात्रियों का। और जो ट्रेडिशनल ब्रदरहुड और हारमोनी का जो कश्मीर का कल्चर है उसको एक बार फिर से उन्होंने एक एग्जाम्पलरी बनाया। राइट। और मैं ये कहूँगा कि जो हर साल सेल्फलेस सर्विस से जो लंगर लगाते हैं उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो रामबन में हो, चाहे जो हर साल तुलबुला में नागडंडी आश्रम की तरफ से व्यवस्था थी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। उसके अलावा सिविल सर्विस सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ वो हर साल, बल्कि उन्होंने ही यहाँ पे इसको लंगर का सिस्टम जो है तुलमुला में शुरू किया था। उन्होंने भी बड़ा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और श्रद्धालुओं को सर्व किया। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का जी जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, ना सिर्फ तुलमुला में भी बल्कि सभी लोकेशंस में उन्होंने अपना योगदान दिया। और सेल्फलेस वॉलंटियर्स की एग्जाम्पल उन्होंने खड़ी की और मैं समझता हूँ कि बहुत शाबाशी के काबिल सभी एम्प्लॉयज। राइट जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम देखा गया कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, दिन रात वो मेहनत करते गए और सेल्फलेसली, मतलब इतना सपोर्ट मिला उनका, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या आप खुद वहाँ रहे, आपने देखा कि रात को भी वो लोग सफाई कर रहे होते थे, काम कर रहे होते थे, इवन जाने के बाद भी जब यात्री निकलने लगे थे तो उसके बाद भी वो लोग रात को 2-2 बजे तक लगे हुए थे, तो कितना इम्पोर्टेंट था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ को एज एन ऑफिसर ही नहीं जो अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व थे, एज ए कॉमन यात्री भी मैं रेंडमली गया वहाँ पे वॉशरूम्स की हालत देखने के लिए, ऐसे चक्कर लगाने के लिए। तो मैंने ये देखा कि इस बार जो है
बहुत ही बढ़िया सफाई, साफ सफाई, यात्रियों से जिस तरह से पेश आए वहाँ पे, बहुत एग्जेम्पलरी था। जी और इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया, किसी एक का नाम अगर हम ले लें नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल वो एक डिसर्विस होगी सबके लिए, राइट बल्कि राइट सभी ने किया। सफाई का आउटस्टैंडिंग था। और जब यात्रा तुलमुला में आई 14 तारीख को, जी तो शाम को हवा तूफान चला, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल इमिजिएटली जो हमारे डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग थे वहाँ पे, चाहे वो पानी रेस्टोर करने का इशू था, साफ सफाई, वापस जो टेंट तूफान से गिरे थे उनको दोबारा एस्टेब्लिश बिल्कुल किया, सेटिंग की। हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो वहाँ पर वॉलंटियर थे, वो पूरी रात जाके उन्होंने यात्रियों को सर्व किया। हो सकता है यात्री, फिर भी कोई यात्री हो उसको थोड़ा बहुत कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैं जी ये कहूँगा कि उन सभी यात्रियों को मैं ये कहूँगा कि आपकी व्यवस्था के लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ हमारे वॉलंटियर्स ने जी जान लगा के मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। बिल्कुल हमारे वॉलंटियर्स उस रात सोए नहीं हैं, जो पीएम बिल्कुल पैकेज एम्प्लॉयज़ के वॉलंटियर्स हैं, पूरी रात 14 तारीख को कुछ खाने वाने का कुछ पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ यात्रियों के कंफर्ट देख रहे थे, उनको कंबल बांट रहे थे, उनको खाना बांट रहे थे। और मैं ये कहूँगा कि सभी जो सिविल सोसाइटी, जैसे मैंने कहा नागरणी आश्रम है, सिविल सिटीजन एम्प्लॉयज़ हैं जो हर साल यात्रा को केटर करते हैं, हमारे पैकेज के एम्प्लॉयज़, जी इन्हें जी आउटस्टैंडिंग काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया। जी मैं यहाँ पे सर आपको थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि मैंने खुद देखा एज ए यात्री, मैं बात करूँगा, मैं एज ए यात्री भी वहाँ था, मेरी टीम थी पूरी 20 लोगों की टीम थी, और कैसे वहाँ पे वो लोग पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो काम कर रहे थे, यूनिटी के साथ काम कर रहे थे। और सर ये भी हम बोल सकते हैं कि जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन रहा, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन के बगैर चीज़ें मैनेज होना मुश्किल होता। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जो ब्रिज का काम किया वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और इनकी वजह से, सर की वजह से, इनकी टीम की वजह से, जो टायरलेसली पूरी रात भर इन्होंने जो काम किया, मुझे नहीं लगता कि सर आपकी टीम से भी किसी ने खाना खाया होगा इन दिनों। वो सब लोग दिन रात लगे हुए थे इस यात्रा को कामयाब करने के लिए। मैं अपनी टीआरएन की टीम, पूरे समाज की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा देखिए, कि मैं तो इसमें होस्ट हूँ, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, जी। हमने कोई इसमें एहसान नहीं किया, एज ए होस्ट हमारा फ़र्ज था। लेकिन मैं उन सभी डिपार्टमेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इसमें ताउन दिया। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इसको अच्छी कवरेज दी, पॉजिटिव कवरेज दी, जिससे एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज, बिल्कुल सोसाइटी में जुड़ने का मैसेज जो चला गया, बहुत ही अच्छे से कवरेज दी। यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने यात्रा को वार्मली वेलकम बिल्कुल किया। बिल्कुल सर, और बहुत जिस दिन भजन संध्या हो रही थी 13 तारीख शाम को, तो जो जोश था, जो माहौल था, भक्ति का माहौल था, देखने लायक था। और जी, उसमें यहाँ के भी जो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी राइट के राइट सिंगर्स थे, उन्होंने जो दिल से गाया, जी, तो वो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जो है छू गया सभी यात्रियों को। राइट आप, मैं भी वहाँ देख रहा था कि मतलब एकदम इमोशनल हो गए थे सारे बिल्कुल, यात्री, भक्ति में लीन और हो गए थे बहुत सर, ही लीन हो गए थे भक्ति में। राइट और जो रूट्स हमारे कश्मीर के हैं, उन रूट्स को कहीं ना कहीं छुआ, उनको एक सींचने का राइट काम ऐसे जो राइट प्रोग्राम है वो करते हैं। और इसके लिए मैं उमेद ग्रुप का, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, जी, J&K गवर्नमेंट का, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमारे साथ ये ताउन किया और एक बढ़िया प्रोग्राम किया। और ये एक प्रेसिडेंस सब आने वाले सालों के लिए भी बनेगा, और राइट मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले सालों में भी इसी लेवल से, बल्कि इससे भी बढ़िया प्रोग्राम होगा। ऑनरेबल LG साहब वहाँ पे आए जी, 14 तारीख को, वहाँ पे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब आए, जी सभी डिग्निटरीज आए, DGP साहब आए, सभी ने अच्छे से दर्शन किया। और इतने, जैसे मैंने कहा, मोर देन 30,000 यात्रीज थे, जी बड़ी स्मूथली दर्शन कराए। और इसके लिए जो क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम था, राइट जो हमारे एम्प्लॉयज़ ने क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम किया, वहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे, पूरा दिन मैं देख रहा था, मैं मॉर्निंग से वहाँ देख रहा था, जब जब दर्शन शुरू हो गए अर्ली मॉर्निंग, तो शाम तक मैं देख रहा था लगातार कतारों को कैसे मैनेज किया मैनेज करना, राइट हमारे वॉलंटियर्स। ये अप्रिशिएबल है और एक एग्जेम्पलरी मैं कहूँगा उन्होंने काम किया है। इसके लिए जी, मैं PM पैकेज एम्प्लॉयज़ गांधरबल खासतौर पे, और सभी PM पैकेज एम्प्लॉयज़ का, जी शेखपुरा वाले, चाहे वेसू वाले, चाहे हमारे
बारामूला से थे, कुपवारा से थे, श्रीनगर से थे, वो सब श्रीनगर से थे, सभी ने मैं सभी का एक एक, मैंने कहा ना मैं किसी का नाम ले लूंगा तो वो गुस्ताखी होगी कि क्योंकि सभी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और दिल से काम किया और माता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। मुझे उम्मीद है कि माता उनको अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखेगी, उनको आशीर्वाद देगी और आने वाले सालों में भी ये यात्रा बढ़िया रहेगी, इससे भी बढ़िया यात्रा होगी और हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज, हमारा देश ब्लेस होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंत में एक बात जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भजन संध्या के टाइम पे अगर आपको याद होगा कि उस टाइम कितने बादल आए थे, पूरा ब्लैकआउट हो गया था, हमें ऐसा लगा कि बारिश बहुत पड़ने वाली है, लेकिन माता की इतनी कृपा थी। आप ये जगह की आप देखिए माता का कितना चमत्कार है कि उसी तुलमुल माता के प्रमाइसिस के बीच में बारिश नहीं हुई और धूप निकली और भजन संध्या के टाइम पे प्रॉपरली जो भजन संध्या बहुत अच्छे से हुई और सर के सहयोग से भी हुआ वो सारा। और फिर से एक बार मैं अपनी तरफ से भी टीआर की टीम की तरफ से, भूमेद की तरफ से, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का और डीसी गांधरबल सर का, डिवकॉम सर का, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का, हमारे यात्रियों का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्हें बार बार धन्यवाद करूंगा क्योंकि इतनी सफल यात्रा हुई है सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।